हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक। दोस्तों नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है और अब हम सभी को अपना इनकम टैक्स फाइल करना होगा। बट लास्ट ईयर की कंपैरिजन में अगर इस साल देखें तो इनकम टैक्स पोर्टल में एक छोटा सा चेंज किया गया है और अकॉर्डिंग टू मी अब आप इनकम टैक्स ऑनलाइन फाइल नहीं कर सकते, बल्कि एक प्रकार से आप हो सकते हैं कि आपको उसे ऑफलाइन ही फाइल करना होगा विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी फाइल। जी हाँ दोस्तों, आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट से सबसे पहले एक यूटिलिटी फाइल डाउनलोड करनी होगी। फाइल डाउनलोड करने के बाद अपना प्रीफिल डेटा डाउनलोड करना होगा और उस प्रीफिल डेटा के अकॉर्डिंग आपको अपनी यूटिलिटी फाइल में जो भी चेंजेस है वो सारे चेंजेस करने होंगे। एंड आफ्टर दैट आपको उस फाइल को अपलोड करना होगा इनकम टैक्स पोर्टल में, तब जाके आपका इनकम टैक्स फाइल होगा। एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, जैसा कि हमने देखा था, हमें सिंपली क्लिक करते जाना था, अपनी डिटेल्स फिल इन करनी थी और नेक्स्ट करते ही हम देखते थे हमारा इनकम टैक्स फाइल हो जाता था। तो थोड़े से चेंजेस इस बार जरूर किए गए हैं पोर्टल में और आज हम देखेंगे कि आप अपना इनकम टैक्स कैसे फाइल कर सकते हैं। और यही नहीं, हमारे आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे अलग अलग टाइप के आप इनकम टैक्स कैसे फाइल कर सकते हैं, जैसे कि एक हाउसवाइफ के लिए आप कैसे फाइल करेंगे, एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए जिसका कोई टीडीएस नहीं कटता, एक ऐसा सैलरीड एम्प्लॉय जिसका टीडीएस कटता है, एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से हमारे 3 से 4 वीडियोस आएंगे अलग अलग टाइप के इनकम टैक्स आप कैसे फाइल कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं हम एक ITR कैसे फाइल कर सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों ITR फाइल करने के लिए सबसे पहले आप आ जाएं इस लिंक पे जो कि है incometax.gov.in। ये लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने मिल जाएगा, जिसका यूज करके आप डायरेक्टली इस पोर्टल में आ सकते हैं। पोर्टल में आने के बाद आपको जाना होगा डाउनलोड सेक्शन में और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा अपना असेसमेंट ईयर जो कि है 23-24। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ITR 1 के लिए जो है यूटिलिटी एक्सेल बेस फाइल आ चुकी है। और क्योंकि हम यहाँ पे एक ITR फाइल कर रहे हैं जॉब वाले इंसान के लिए, यानी कि जिनकी सिर्फ सैलरी है और थोड़ा बहुत TDS कटा हुआ है उनकी FD में, उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर ITR 1। सिंपली आप यूज कर लें ITR 1 और डाउनलोड कर लें यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड। यूटिलिटी डाउनलोड हो चुकी है, आप सिंपली से ओपन कर लें शो इन फोल्डर, इस पर राइट क्लिक करें और इसे आप एक्सट्रैक्ट कर लें, एक्सट्रैक्ट फाइल्स एंड ओके। तो ये आ चुका है हमारी यूटिलिटी फाइल का एक फोल्डर जिसके अंदर आपको एक एक्सेल फाइल देखने मिलेगी। इस प्रकार से इसे आप ओपन कर लें, नेक्स्ट क्लिक कर लेंगे एनेबल एडिटिंग एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको भी ये एक एरर देखने मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट हैज ब्लॉक्ड मैक्रोस फ्रॉम रनिंग। तो आपको यहाँ पर इस मैक्रो को इनेबल करना होगा एंड टू इनेबल द मैक्रो सबसे पहले मैं इस फाइल को क्लोज कर लूंगा, डोंट सेव, और इस फाइल पे राइट क्लिक करना होगा आपको, जाएंगे प्रॉपर्टीज और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने मिल जाएगा जनरल टैब के अंदर सिक्योरिटी का, इसमें आपको सिंपली क्लिक करना है अनब्लॉक, अप्लाई एंड ओके। और ये करने के बाद फिर से एक बार फाइल को ओपन कर लेंगे एंड सी मैक्रोस हैव बीन डिसेबल्ड, सिंपली आप इसे इनेबल कर लें और सारे के सारे मैक्रोस जो हैं वो आपकी फाइल में इनेबल हो जाएंगे, क्लिक कर लेंगे ओके। और अब जैसा कि हम देख सकते हैं ये जो फाइल है ये कम्प्लीटली ब्लैंक है, इसके अंदर प्री फिल्ड डेटा नहीं है, यानी आपने अभी तक जो भी इनकम टैक्स फाइल किए हैं उन सभी में से अगर आप चाहते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाए, उसके लिए अगेन हम चले जाएंगे हमारे ITR पोर्टल में और पोर्टल में आने के बाद क्लिक कर लेंगे लॉगिन। यहाँ पे आप अपना पैन नंबर लिख के लॉगिन कर लें और अगर आपकी ID क्रिएटेड नहीं है तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं कि आप अपनी ID कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और इन केस अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो वो भी आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं आप अपना पासवर्ड कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ और लॉगिन होने के बाद मुझे यहाँ पर सबसे पहले डाउनलोड करना होगा एक प्री फिल्ड डेटा एंड टू डू सो हमें जाना होगा ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न एंड डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा। असेसमेंट ईयर हमें सेलेक्ट करना होगा ऑब्वियसली 23-24 जो कि करंट असेसमेंट ईयर है, क्लिक कर लेंगे डाउनलोड एंड डाउनलोड करते हैं आप देखेंगे एक JSON फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो ये हो गया हमारा सेकंड टास्क। फर्स्ट टास्क था एक एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी फाइल को डाउनलोड करना, सेकंड एक JSON फाइल को जो कि हमारी प्री फिल्ड डेटा, और थर्ड होगा ये चेक करना कि कहीं हमारा कोई TDS डिडक्शन तो नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो कितने का हुआ है, कहाँ पर हुआ है, सो दैट हम उसे क्लेम कर पाए। एंड फॉर दैट हमें जाना होगा ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फॉर्म 26AS कन्फर्म आई अग्री प्रोसीड व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म असेसमेंट ईयर आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से 23-24 व्यू एस HTML एंड व्यू और डाउनलोड। और इसे अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो हमें यहाँ पे देखने मिल जा रहा है जो भी TDS डिडक्शन है, जैसे यहाँ पर इनका हम देख सकते हैं 346 rupees का TDS डिडक्शन है और हमें इसे भी क्लेम करना है हमारे ITR में। अगेन आ जाएंगे हमारे ITR पोर्टल में और अब मैं चले जाऊँगा सर्विसेस AIS यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, क्लिक कर लेंगे प्रोसीड और यहाँ आप देख सकते हैं AIS क्या है, इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एक टैक्स पेयर की जो कि 26AS में भी आपको देखने मिलती है, क्लिक कर लूँगा मैं यहाँ पर AIS और अगेन आपको यहाँ पे दो सेक्शन मिलते हैं जो कि है टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन या फिर एनुअल इन्फॉर्मेशन, क्लिक कर लेंगे यहाँ पर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो ये है इनका एक एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जो कि है
इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, डिपॉजिट से इनको कितना इंटरेस्ट आया हुआ है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो भी इंटरेस्ट है ये भी हमें इनकी सैलरी में इंक्लूड करना होगा। साथ साथ अगर हम देखें SFT इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर इन्होंने कुछ म्यूचुअल फंड में परचेज किया हुआ तो उसके सारे ट्रांजेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे कि कितने अमाउंट का इन्होंने म्यूचुअल फंड परचेज किया है, सेल किया है एंड सो ऑन। पेमेंट ऑफ टैक्सेस में आपको देखने मिल जाएगा इन केस अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे की है या नहीं। डिमांड एंड रिफंड में आपको देखने मिलेगा यहाँ पर कि लास्ट ईयर में इनका कितना TDS था और कितना इन्हें रिफंड मिल चुका है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट ईयर इनका जो रिफंड था वो अराउंड 1320 का था जो इन्हें जुलाई में मिल चुका है, और अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन होगी तो वो आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बार चेक करने के बाद ही अपना इनकम टैक्स फाइल करें। तो अब मैं आ जाऊँगा एक्सेल फाइल में, और एक्सेल फाइल में आने के बाद क्लिक करेंगे यहाँ पर इम्पोर्ट प्रीफिल। ओके, और हमने जो प्रीफिल डेटा यानी कि JSON फाइल डाउनलोड की थी वो हमें यहाँ पर सिंपली अपलोड करनी होगी। मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा और क्लिक कर लेंगे ओके, और ओके करते ही आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर, आधार नंबर, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक प्रीफिल आ चुकी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ बटन्स दिए हुए हैं वैलिडेट, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी शीट्स हैं, हर शीट में आपको कुछ ना कुछ डेटा फिल करना है और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मिस्टेक्स भी हम करेंगे, तो उन सभी को चेक करने के लिए बटन है वैलिडेट। एक बार आप इसे पूरा फिल कर लें, उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करते हैं वैलिडेट तो जो भी गलतियाँ होंगी वो आपको ये बता देगा। नेक्स्ट ऑब्वियसली सेकेंड शीट में जाने के लिए कोई टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट टैक्स, इम्पोर्ट जेसन या फिर इम्पोर्ट प्री फिल हम ऑलरेडी प्री फिल कर चुके हैं। उसके बाद जनरेट जेसन, ये होगा लास्ट स्टेप। जब हमारी एक्सेल फाइल कम्प्लीट हो चुकी होगी तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा जेसन में सो दैट हम इसे अपलोड कर पाएं। एंड लास्ट इज प्रिंट, ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं इसे प्रिंट करने के लिए। तो अब इसे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेंगे और यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स फाइलिंग। सबसे पहला ऑप्शन जो है दैट इज नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपका एम्प्लॉयमेंट किस प्रकार का है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, स्टेट गवर्नमेंट में हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, दो जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लें, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप सेलेक्ट कर लें अदर्स। सेकेंड इज आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम, हमें यहाँ पे अभी नो रखना है। उसके बाद सेवन्थ प्रोविजन के अकॉर्डिंग भी हमें यहाँ पर इसे नो सेलेक्ट रखना है, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही इनकी टैक्स फाइल करनी है। एंड आई वुड प्रेफर कि आप भी इसे अभी ओल्ड टैक्स रिजीम में ही रखें। नेक्स्ट स्क्रॉल डाउन करने के बाद फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू सेलेक्ट में हम कर लेंगे यहाँ पर 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट, क्योंकि अभी तक इसकी ड्यू डेट खत्म नहीं हुई है, ड्यू डेट है 31 जुलाई 2023। अगेन थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेंगे और अब आपको यहाँ पे फिल करना होगा इनकी सैलरी। जैसे कि हम देख सकते हैं सैलरी एज पर सेक्शन, मैं यहाँ पे सैलरी इनपुट कर लूँगा। सैलरी इनपुट होने के बाद इनकेस अगर आपको कुछ और प्रॉफिट है या फिर इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट है या अगर कोई और इनकम है तो वो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हैं, एल्स आप इसे स्क्रॉल डाउन कर लें। अगर कोई एग्जेम्प्ट अलाउंस है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर लीव ट्रैवल कंसेशन या फिर डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी, अगर ऐसा कुछ भी है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अगेन स्क्रॉल डाउन, यहाँ हम देख सकते हैं डिडक्शन बाय डिफॉल्ट जो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है ऑलवेज 50,000 का, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो चुका है, तो इसमें भी हमें कोई चेंजेस नहीं करने। अगेन अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है तो आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज लेट आउट, और उसके बाद आपको जितना भी रेंट आता है आप वो यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। अगेन थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेंगे एंड सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज से अगर आपको कोई इनकम आती है, जैसे इनके केस में हमने देखा बैंक से FD का जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इनकी एक इनकम है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, और कितना अमाउंट यहाँ पे आया हुआ है एज एन इंटरेस्ट वो हमें यहाँ पे देखने मिलता है। इस केस में मैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की कोई इन्फॉर्मेशन फीड इन नहीं कर रहा हूँ, कि ऑलरेडी सैलरी जो है वो रिबेट के अंदर ही आती है, यानी कितना भी, यानी कि अगर मेरा टैक्स 3,000 या 4,000 या 5,000 भी बन जाता है तो मुझे उसका रिबेट है। तो ऑब्वियसली जो म्यूचुअल फंड है 17,000 से 18,000 रुपए के, अगर मैं उसे डिडक्ट करवा भी देता हूँ तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा मेरे टैक्स में। लेकिन अगर आपकी सैलरी बहुत ज्यादा है और आप चाहते हैं कहीं ना कहीं डिडक्शन हो सो दैट आपका टैक्स कम आए, इन दैट केस आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में जो भी आपने खरीदा हुआ है उसका अमाउंट भी जरूर मेंशन करें। इन केस अगर आपको कोई और इनकम आती है अदर सोर्सेज तो आप वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फैमिली पेंशन हो गई या फिर इनकम टैक्स रिफंड है, सेविंग बैंक अकाउंट है एंड सो ऑन। इसे भी हम स्क्रॉल डाउन कर लेंगे और ये जितने भी फील्ड्स हैं ये सभी के सभी हमारे काम के नहीं है, क्योंकि हम एक सिर्फ सिंपल सा ITR फाइल कर रहे हैं उनके लिए जिनकी सैलरी है 3.5 लाख से कम और थोड़ा सा TDS कटा हुआ है, दैट टू सिर्फ बैंक की FD में। अगेन ये हम देख सकते हैं अब इनकी ओवरऑल सैलरी हो चुकी है कुछ इस प्रकार से, और इसे आप स्क्रॉल डाउन कर लें। अगर आपको कोई लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लिया हुआ है तो उसके अमाउंट आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। अगर हेल्थ इंश्योरेंस है उसके लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा और उसके बाद उसकी डिटेल्स फिल इन करनी होगी। यार अभी इनका कुछ भी नहीं है तो सिंपली इसे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे और इस शीट में और कुछ भी नहीं है भरने के लिए तो क्लिक कर लेंगे वैलिडेट। एंड सी हमने जो गलतियाँ की हैं वो हमें यहाँ पे देखने मिल रही हैं। इस सेक्शन में मैंने कुछ भी डेटा इनपुट नहीं दिया ना ही यहाँ पर, इसमें क्लिक कर लूँगा ओके।
अगेन क्लिक कर लेंगे वैलिडेट एंड सी शीट इनकम डिटेल्स इज ओके, नेक्स्ट एंड ओके। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी। अगर आपकी सैलरी आती है और उसमें से कोई TDS कटा हुआ है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। अगर ना मिले तो आप 26AS से यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी। अगर अदर देन सैलरी कोई डिडक्शन हुआ है तो वो आपको यहाँ पर फीड इन करना होगा। इस प्रकार से अलग अलग डिडक्शंस हैं, अगर आप इसमें कहीं पर भी एप्लीकेबल होते हैं तो आपको वो यहाँ पे फिल करना होगा। और जैसा कि हम इनके केस में जानते हैं FD से इंटरेस्ट आया हुआ है, तो अगेन हम जाएंगे ITR पोर्टल में और यहाँ हम देख सकते हैं ये बैंक का नाम, टेन ऑफ डिडक्टर आप सिंपली इसे कॉपी कर लें, अमाउंट हम देख सकते हैं और उसके साथ साथ कितना TDS कटा हुआ है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगी। सिंपली मैं इस टेन नंबर को यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। नेक्स्ट इज नेम ऑफ डिडक्टर जो कि है स्टेट बैंक। नेक्स्ट इज ग्रॉस रिसिप्ट विच इज सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन, यानी कि कितने अमाउंट पे आपको कितना TDS कटा है ये इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे देखने मिल जाएगी। और टैक्स कितना कटा हुआ है ये इन्फॉर्मेशन भी हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। नेक्स्ट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे एंड लास्ट में भी कितना TDS आप क्लेम करना चाहते हैं, ऑब्वियसली हम 100% क्लेम करना चाहेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद अगेन मैं क्लिक कर लूँगा वैलिडेट एंड ओके, क्लिक करेंगे नेक्स्ट। TCS में हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं तो क्लिक कर लूँगा नेक्स्ट। और नेक्स्ट इस फॉर्म में आने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा आप किस अकाउंट में अपना रिफंड चाहते हैं, साथ साथ अकाउंट नंबर को टिक कर लेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे प्लेस डालनी होगी और अगेन क्लिक कर लेंगे वैलिडेट ओके, और फिर क्लिक कर लेंगे नेक्स्ट। उसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा कि आप कोई आपके फैमिली मेम्बर में सीनियर सिटीजन है या नहीं है। अगेन यहाँ पर भी एनी ऑफ योर पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन और नॉट, अगर हैं तो येस करिए एल्स नो करिए। क्लिक करेंगे वैलिडेट एंड ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट इज ATG के अंदर अगर आपने कहीं पर डोनेशन किया तो वो डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करें और क्लिक कर लें वैलिडेट एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट इज डिटेल्स ऑफ डोनेशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ऑब्वियसली यहाँ पर भी मेरा कुछ नहीं है तो मैं क्लिक कर लूँगा यहाँ पर वैलिडेट एंड ओके। ये सारी चीज़ें फिल इन करने के बाद क्लिक कर लेंगे एक बार कैलकुलेट टैक्स एंड आफ्टर दैट आप देखेंगे यहाँ पर आपका टैक्स कितना बन रहा है, आपका रिफंड कितना होगा, वो सारी चीज़ें आपको यहीं पर देखने मिल जाएंगी। तो अगर मैं इसे स्क्रॉल डाउन करूँ हम देख सकते हैं यहाँ पर टोटल सैलरी कितनी है, साथ ही यहाँ पर टैक्स बन रही है मेरी 3634 की एंड अकॉर्डिंग टू रिबेट सेक्शन 87A इतने की हमें रिबेट मिल जाती है तो मेरा टैक्स होगा टोटल जीरो। अगेन अगर मैं क्लिक करूँ टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन वाली शीट में तो यहाँ पे अब हमें देखने मिल जाएगा टोटल TDS क्लेम कितना है 346 रुपीस का, टोटल टैक्सेस पेड कितना है 346 और रिफंड कितना होगा मेरा राउंड ऑफ करके 350 का रिफंड मेरे इस अकाउंट में आने वाला है। तो सारी चीज़ें सही हैं एक बार प्रॉपरली चेक कर लें और आफ्टर चेकिंग एवरीथिंग आप क्लिक कर लें जनरेट JSN फाइल ओके एंड अगेन ओके ओके। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी समरी में आपको सारी चीज़ें देखने मिल जाएंगी कितना रिफंड है एंड सो ऑन। आफ्टर दैट क्लिक कर लें सेव JSON फाइल एंड ओके। तो JSON फाइल बाय डिफॉल्ट आपको उसी फोल्डर में देखने मिलेगी जहाँ पर आपने शुरू में यूटिलिटी फाइल एक्सेल की हमने डाउनलोड की थी वो स्टोर की थी। नेक्स्ट अगेन अब मैं चले जाऊँगा हमारे इनकम टैक्स पोर्टल में और पोर्टल में आने के बाद इनकम टैक्स फाइल करने के लिए चले जाएंगे ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे 23-24। फाइलिंग टाइप होगा ऑब्वियसली ओरिजिनल रिटर्न, कोई ऑडिट नहीं है। ITR टाइप होगा मेरा ITR 1 एंड कंटिन्यू। आफ्टर दैट अटैच फाइल, यहाँ पर हमें उस JSON फाइल को अपलोड करना होगा जो जस्ट अभी हमने क्रिएट की है तो क्लिक कर लेंगे अटैच फाइल और इस JSON फाइल को सेलेक्ट करके क्लिक कर लेंगे ओपन एंड सी वैलिडेशन सक्सेसफुल। इस फाइल में कोई भी एरर्स नहीं है, अब क्लिक करेंगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। आप कैसे वेरीफाई करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ आधार OTP या फिर अगर आप चाहें तो इसको बाद में भी ई वेरीफाई कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी भी सेंड कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे आधार OTP तो क्लिक कर लेंगे कंटिन्यू। मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार एंड कंटिन्यू, आई अग्री जनरेट आधार OTP और OTP डालते ही क्लिक कर लेंगे वैलिडेट एंड सबमिट एंड सी यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। आपका जो रिटर्न है वो सक्सेसफुली फाइल हो चुका है और अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं या फिर डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो आप सिंपली इसे डाउनलोड कर लें, डाउनलोड रिटर्न, डाउनलोड रसीद। तो ये है इसकी रसीद, यहाँ हम देख सकते हैं डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू CPC, यानी आपका जो ITR है वो सक्सेसफुली फाइल हो चुका है। साथ साथ इसकी जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है, आपने जो फाइल किया था यानी कि जो भी आपने डिटेल्स फिल की थी वो सारी डिटेल्स आपको इस फाइल में देखने मिल जाएंगी। अगेन मैं चले जाऊँगा डैशबोर्ड में एंड डैशबोर्ड में आप देखेंगे यहाँ पर असेसमेंट ये 23-24 का जो ITR है वो फाइल हो चुका है, रिटर्न फाइल हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है। अब बस ये जो आखिरी के काम है दैट इज प्रोसेसिंग एंड प्रोसेसिंग कम्प्लीशन, ये गवर्नमेंट के ऊपर है या फिर इस पोर्टल के ऊपर है कि ये आपको कब कंप्लीट करके देते हैं। और वंस ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है
आपका जो भी TDS होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से आप अपना ऑनलाइन ITR फाइल कर सकते हैं, हालांकि ऑनलाइन नहीं बट सिस्टम में बैठ के आपको ऑफलाइन पूरा का पूरा डेटा फिल करना है, देन अपलोड करना है और इजीली आप अपना इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर ये पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।